Yes, students, yesterday I have discussed with you how Lenin, he became the next ruler of Russia. Now, what changed after Lenin? Yani ki Lenin, Kerensky ke baad jab Lenin aaye, okay, Lenin ne kya kya changes introduced ki? So this topic is related with the policies adopted by Lenin. Okay? When he took the charge of Russia, same साथ ही क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट कैन बी चेंज. व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, यानी कि सबसे पहले अगर आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बच्चे आप लर्न करते हो तो सबसे पहले हमने किया 1905 ब्लडी संडे इंसिडेंट, फिर हमने किया 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन बिटवीन हमने किया 1917 फेब रेवोल्यूशन, फिर हमने किया 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन. अब इसके बाद हमने अक्टूबर के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है लेनिन पॉलिसीज. इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बेटा राइट अ नोट ऑन लेनिन पॉलिसीज, तो आप ये बताओगे कि अक्टूबर के बाद लेनिन ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, किस तरह से रशिया को चेंज किया, रशिया का सिस्टम चेंज किया, और साथ ही आप लेनिन पॉलिसीज अलग से आपका अगर ये क्वेश्चन आता है लेनिन पॉलिसीज तो भी आंसर सेम है. अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बेटा व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो भी ठीक है. सो इसमें सबसे पहले जब भी आप लेनिन की पॉलिसीज का आंसर बताओगे ना, तो आपने सबसे पहले अप्रैल थीसिस अपने माइंड में रखी, क्योंकि लेनिन जब उसने करेंस्की की वीक गवर्नमेंट को ऑब्जर्व किया था तो उस टाइम उसने रशिया के लोगों के सामने कुछ डिमांड्स रखी थी कि आप ये डिमांड्स जो हैं वो करेंस्की गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने फॉरवर्ड करें. बट एट दैट टाइम करेंस्की वॉज नॉट एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. सो उस वीक कंडीशन का फायदा जो था वो किसने लिया, लेनिन. ठीक है, तो लेनिन की पॉलिसीज में सबसे पहले आपने बताना है ही इंप्लीमेंटेड अप्रैल थीसिस. अब इसमें आप सारा अप्रैल थीसिस जो है वो एक्सप्लेन करोगे. अब अप्रैल थीसिस के पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी करवाए थे, ठीक है. इसमें आपने सारे अप्रैल थीसिस के पॉइंट्स जो है वो आपने बताने. उसमें आप उसमें उसने अपनी डिमांड्स को लिखा था इट शुड बी वॉर शुड बी क्लोज. तो इसमें आप सेंटेंस चेंज करोगे, क्योंकि अब हमने ये बताना है कि उसने कैसे इसको इम्प्लीमेंट कैसे किए. नंबर वन, ठीक है, सबसे पहले अप्रैल थीसिस जो था उसकी डिमांड क्या थी, दैट लैंड शुड बी गिवन टू पुअर पीपल. तो उसमें तो उसने शुड बी जो है उस टाइम उसकी डिमांड थी, लेकिन अब वो खुद रिप्रेजेंटेटिव था तो उसने क्या किया, आपने ये अप्रैल थीसिस था अब सेंटेंस चेंज कर देना है. अब आप क्या बताओगे, ही रीडिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड अमंग पुअर पीपल या पुअर पीजेंट्स, आपने इसमें बताना है दैट ही रीडिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड अमंग पुअर पीजेंट्स और लैंडलेस पीजेंट्स, लैंडलेस फार्मर्स, जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं थी, ठीक है, उनको लैंड दी गई. यानी कि जो उसने प्रॉमिस उस टाइम पीरियड में पूरा जो उसने प्रॉमिस किया था, अब उसने रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद इसको पूरा किया. तो अप्रैल थीसिस का फर्स्ट पॉइंट इसमें लेनिन की पॉलिसी में आप क्या बताओगे, दैट ही रीडिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड अमंग पुअर पीजेंट्स, ठीक है. सेकेंड, उसने क्या प्रॉमिस किया था, बैंक्स शुड बी नेशनलाइज, बैंक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में रखा जाए. तो अब उसने अब इसमें सेंटेंस चेंज क्या करोगे, दैट ऑल द बैंक्स इन द कंट्री वर नेशनलाइज्ड. शुड उसमें उसने शुड भी लिखा था, इसमें उसने क्या किया, एक्शन आपने बताना है कि उसने किया. तो आपने इसमें बताओगे ही नेशनलाइज ऑल द बैंक्स इन द रशिया. नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, टू पुट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है, ताकि सारी करेंसी का जो फ्लो है वो गवर्नमेंट की नजर में, ठीक है. देन नेक्स्ट उसमें उसने बताया था, उसमें उसने डिमांड क्या रखी थी, दैट राइट्स शुड बी गिवन टू नॉन रशियंस. तो इसमें आप बताओगे दैट ही गेव राइट्स टू नॉन रशियंस, यानी कि लेनिन जब कंट्री की उसने कमांड संभाली, दैट उसने नॉन रशियंस, आपने ये बताना है दैट ही गेव राइट्स टू नॉन रशियंस.
जो रशिया के बॉर्न सिटीजन्स नहीं थे या किसी और रिलीजन से बिलोंग करते थे, जो क्रिश्चियंस भी नहीं थे या मुस्लिम्स थे या बुद्धिस्ट थे या अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, उनको भी राइट्स जो थे वो लेने में, ठीक है। तो ये आपने अप्रैल थीसिस का बताना है। एंड इसके अलावा और उसने क्या क्या चेंजेस किए वो आपने बताने, दैट अल्टीमेटली उसका मेन मोटिव क्या था, दैट ही अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारा आपने इसमें बताना है कि अल्टीमेटली हिज मेन मोटिव वॉज टू अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्राइवेट रिच पीपल थे उनके पास अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी, वो उस अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो थी उसको लेकर, उनसे लेकर बाकियों में रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता, और इसलिए उसने क्या किया, ही टुक ऑनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन द कंट्री। ऑनरशिप का मतलब होता है जितनी भी बड़ी बड़ी माइंस या रिसोर्सेज या इंडस्ट्रीज थी, दीज वर केप्ट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो अल्टीमेटली आपने लेनिन की जब भी पॉलिसीज बताओगे, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जो भी चाहे इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, चाहे जो भी माइंस या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, दीज वर अंडर द, चाहे वो बैंक्स थे, दीज वर केप्ट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। लैंड यानी कि अगर एक फैमिली है, उस फैमिली के पास मेंबर्स के अकॉर्डिंग जितनी लैंड चाहिए उनको उतनी लैंड मिलेगी, अगर उनके पास उससे ज्यादा लैंड है तो दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो जो अनलिमिटेड लैंड थी वो उनसे ले ली जाती। सोशलिज्म, सोशलिज्म जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज या जितने भी जो है वो मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होते, चाहे वो लैंड। Then he put ban on old titles. पुराने टाइम पीरियड में जार निकोलस सेकेंड ने जिन लोगों को उनके नेम के साथ जो भी टाइटल्स अवार्ड्स दिए थे, उस टाइम पीरियड में लोग अपने नेम के साथ टाइटल्स जो हैं अपने नेम के साथ लगाते थे, ऐसे सभी टाइटल्स को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया, ताकि जार निकोलस सेकेंड के द्वारा दिए गए जो भी उनके नेम के साथ जो टाइटल्स थे वो अब अपने नेम के साथ उन टाइटल्स को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस करने के बाद फिर आपने ये, मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपने फिर बाकी बता। इसके बाद लेनिन ने और क्या किया, अपनी पार्टी का नेम चेंज किया, ही रीनेम हिज पॉलिटिकल पार्टी। पहले उसकी पार्टी का नाम क्या था, बोल्शेविक पार्टी, नाउ ही रीनेम हिज पार्टी एज कम्युनिस्ट पार्टी। उसने अपनी पार्टी का नेम क्या रखा, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट। कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिस्ट कम्युनिटी सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद आपने एक और अप्रैल थीसिस का आपको पॉइंट याद होगा, उसने एक प्रॉमिस किया था, वॉर शुड बी क्लोज, वॉर बंद हो जानी चाहिए, जो करेंसी के टाइम में नहीं हुई, बट लेनिन ही वॉज एबल टू क्लोज द वॉर, और उसके लिए उसने क्या किया, ही साइंड पीस ट्रीटी। ठीक है, उसने पीस ट्रीटी साइन की, पीस ट्रीटी का मतलब होता है वॉर को बंद करने के लिए जो ट्रीटी होती है, ठीक है, ही साइन पीस ट्रीटी एंड वॉर वॉज क्लोज्ड, वॉर को बंद कर दिया गया, और अल्टीमेटली पीपल इन द रशिया दे वर वेरी हैप्पी एंड नाउ दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। वॉर खत्म हो जाने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते थे, वर्कर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, सो ऑल वर हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ लेनिन। स्टार्टिंग में लेनिन ने जो किया दैट वॉज पॉजिटिव, और हमेशा से ही आप देखते आ रहे हो, जब भी आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया या इवन आपने बहुत से ऐसे जो है वो चाहे नेपोलियन बोनापार्ट या मैक्सिम रॉबेस्पियर, आपने उनकी पॉजिटिव पॉलिसीज भी पढ़ी हैं और नेगेटिव भी। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपने पहले पॉजिटिव पढ़ा कि इसने जो भी प्रोमिसज किए थे ही वॉज एबल टू फुलफिल ऑल द प्रोमिसज। बट अब इसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है कि किस तरह से उसका जो डेमोक्रेटिक आइडिया था, ठीक है, वो चेंज हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे कैसे कंट्री को उसने एक, जिसे हम कहते हैं कि एक काइंड ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइन जो है उसने चेंज की। इसी के साथ आपने पॉलिसीज को कंटिन्यू रखना है। अप्रैल थीसिस को एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपने बताया लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, ही पुट बैन ऑन ओल्ड टाइटल्स आल्सो, ठीक है, ही रीनेम हिज पार्टी एंड ही वॉज एबल टू क्लोज द वॉर आल्सो। अब आप बताओगे दैट नाउ रशिया बिकेम वन पार्टी नेशन, all political parties were kept under the control of Lenin,
यानी कि और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन पार्टीज को लेनिन के कंट्रोल में रखा गया, एंड कम्युनिस्ट पार्टी मेन पार्टी वॉज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर केप्ट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो मेन पार्टी थी दैट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, देन इसके बाद फिर हमने बताना है, अब जब भी कंट्री में कंट्रोल किया जाता है तो वर्कर्स या फार्मर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो स्ट्राइक्स ना करें उसके लिए लेनिन ने कैसे कंट्रोल किया, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी कंट्री में, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी उनको लेनिन ने अपने कंट्रोल में रखा, ताकि अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फैक्ट्री में कोई भी स्ट्राइक होती है तो लेनिन उसको स्टार्टिंग से ही कंट्रोल कर सके, और ताकि रेवोल्यूशन जो है वो आगे स्प्रेड ना हो। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लेनिन ने स्टार्टिंग में डेमोक्रेटिक आइडियाज को फॉलो किया, लेकिन जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसकी पार्टी या उसकी जो एक पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, धीरे 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 उसने कंट्री को एक पूरा उसका सिनेरियो जो है वो धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया। देन पार्लियामेंट, अब कंट्री में इलेक्शंस करवाए, लेनिन वॉज एबल टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, लेनिन ने कंट्री में इलेक्शंस करवाए, और इन इलेक्शंस में अगेन द पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट द लीडर्स फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी दे वन, अगेन लेनिन ही वन विद द मैक्सिमम वोट्स, कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शंस पॉलिटिकल राइट्स दिए गए लोगों को। इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस करवाने के पीछे लेनिन का एक जो था वो मोटिव था, क्योंकि अप्रैल थीसिस में उसने ये डिमांड की थी दैट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, बिकॉज केरेंस्की वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्शन, तो इसलिए लेनिन को कंट्री में इलेक्शन करवाने पर। ठीक है, और उसके बाद पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, आपको याद होगा पहले रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या था, ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा की बिल्डिंग में एंटर किया था केरेंस्की, केरेंस्की के लीडर्स जब केरेंस्की के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ड्यूमा की बिल्डिंग में एंटर किया था तो उन्होंने उसका नेम क्या रखा था, पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, इसके बाद जब लेनिन की गवर्नमेंट आई, ठीक है, लेनिन की गवर्नमेंट में जब इलेक्शंस करवाए गए तो अब पार्लियामेंट का नाम, नया जो पार्लियामेंट का नाम क्या था, ऑल रशियन कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं, हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का नाम है, लेकिन वहां पे रशिया में लेनिन की पार्लियामेंट का नाम क्या था, ऑल रशियन कांग्रेस। ठीक है, ऑफ सोवियत, ये आप नाम याद रखो, पार्लियामेंट का नाम क्या था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इट वॉज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दिस वॉज द न्यू पार्लियामेंट अंडर लेनिन। देन अब और उसने किस तरह से कंट्री में अपनी एक्टिविटीज या पॉलिटिकल बाकी पर जो है वो लीडर्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, ही अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस, उसने सीक्रेट पुलिस मींस नॉट इन यूनिफॉर्म, ठीक है, ही अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस टू कर्व द एक्टिविटीज ऑफ अदर लीडर्स, ताकि उसकी कंट्री में लोग उसको अपोज ना कर। ठीक है, एंड नेक्स्ट, लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेने के लिए उसने क्या किया, he imposed censorship. Censorship का मतलब क्या होता है, that people in Russia were not free to write anything against the Lenin, कि वो लेनिन के अगेंस्ट जो है वो कुछ नहीं लिखेंगे, उसकी पॉलिसीज को अपोज नहीं करेंगे, and with this we can say that Lenin, he controlled the Russia with his powers. उसने रशिया को अपनी पावर्स के साथ कंट्रोल किया, पूरी कंट्री को एक वन पार्टी नेशन बना लिया गया, मेन पार्टी कौन सी थी, बोल्शेविक पार्टी, और उसका नेम जो है वो रीचेंज किया कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एंड 1922 जो इंपॉर्टेंट ईयर था, ठीक है, 1922 में उसने रशिया का नेम जो है वो नेम भी चेंज किया, USSR क्या है इसकी फुल फॉर्म, आपने हमेशा कभी भी जब आप मैप में करते हो तो आपने रशिया की जगह USSR कभी देखा होगा ना, तो 1922 में उसने रशिया का नाम रीनेम किया USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, USSR यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया। यूनाइटेड का मतलब होता है कि उसने सभी रशिया की जितनी भी टेरिटरीज को उसके अपने अंडर कंट्रोल किया, सोवियत, सोवियत मतलब एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल, सोशलिस्ट, सबसे पहले वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में सोशलिज्म आया था, दैट इज रशिया, तो इसलिए उसने कंट्री का नेम जो है वो रीच, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, दैट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज मींस ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली,
सोशलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होती हैं, और इससे क्या होता है जो पुअर सेक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन जार निकोलस के टाइम में सोशलिज्म नहीं था, तो उस टाइम पीरियड में मेनली वर्कर्स दे फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हम ये कहें कि जार निकोलस की गवर्नमेंट थी या करेंसकी की गवर्नमेंट थी या लेनिन की गवर्नमेंट थी, लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मे बी उस टाइम पीरियड में मैनी पीपल दे फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लेनिन रूल आल्सो। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मे बी पुअर पीजेंट्स एंड वर्कर्स दे वर सेटिस्फाइड, बट मे बी रिच पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, और रिच पीजेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नाउ देयर प्रॉपर्टी वॉज डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। उनके पास अगर अनलिमिटेड लैंड थी, अनलिमिटेड प्लॉट्स थे, ठीक है, तो उनको पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन या फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अलॉट किया गया। बाकी जितनी भी लैंड थी दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और इस तरह से लेनिन जो था दैट वॉज ही वॉज एबल टू कैप्चर हिज पावर और कैप्चर हिज कंट्रोल ऑन रशिया। एंड इन अब लेनिन जो था वो ज्यादा देर तक कंट्री जो है वो नहीं संभाल पाया बिकॉज ही डाइड इन 1924 शॉर्ट टर्म, यानी कि हम ये कहो कि 1917 से लेकर 1924 तक उसने रूल किया, बट नेचुरल डेथ। ठीक है, ही डाइड एंड इन 1924, और लेनिन की डेथ के बाद उसकी पार्टी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल जो है या रशिया का कंट्रोल जिसने संभाला, वो लेनिन के बाद नेक्स्ट रूलर जो थे या नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो हम पढ़ेंगे स्टालिन। ठीक है, लेनिन के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टालिन। स्टालिन पॉलिसीज, अब फिर से साथ के साथ आपने टाइमलाइन जरूर, जब भी आप पूरा चैप्टर लर्न करते हैं ना उसकी टाइमलाइन जरूर बनाओ। ठीक है, 1905 ब्लडी संडे इंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद ये सारा इसमें आपने इसमें आपने कॉजेज कंप्लीट करने हैं, सारे कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, देन इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी से अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर का रेवोल्यूशन 1917, फिर हमने किया लेनिन पॉलिसीज की, लेनिन ने किस तरह से रशिया में पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की। इसके बाद लेनिन की डेथ के बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रशिया के कौन थे, स्टालिन। अब हम पढ़ेंगे स्टालिन की पॉलिसीज कि स्टालिन ने किस तरह से लेनिन की जो पार्टी थी या लेनिन का जो सोशलिज्म था उसको आगे कॉन्टिन्यू कैसे किया, और स्टालिन का की टर्म यानी कि उसका जो रूलिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा था और इसलिए उसने रशिया में बहुत से चेंजेस इंट्रोड्यूस की। तो अब हम बच्चे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लेनिन और स्टालिन की पॉलिसीज अलग अलग है, इनको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो आप डिटेल में हम पढ़ेंगे विच वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय स्टालिन। तो जब भी स्टालिन की पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो स्टालिन की पॉलिसी के लिए वन वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, दैट इज कोलेक्टिवाइजेशन। पहले ये वर्ड याद रखो, कोलेक्टिवाइजेशन। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्टालिन कोलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी, सिंपल पॉलिसी है तो भी सेम है, ये भी आपको आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट स्टालिन कोलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी। कोलेक्टिवाइज किसको कोलेक्टिवाइज किया, लैंड, लैंड को कलेक्टिवाइज किया, क्योंकि मेन स्टालिन का जो मोटिव था वो ये था कि इफ यू वांट टू इंप्रूव लैंड दैट लैंड शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, इट शुड बी कंबाइंड। अगर लैंड को कंबाइन किया जाएगा तो उसमें मैकेनिकल फार्मिंग जो है वो हो सकती है, और कंबाइंड फार्मिंग तभी होगी जब विलेज एरियाज या अलग अलग टाउन एरियाज के छोटे छोटे प्लॉट्स का साइज जो है पूरा कंसोलिडेट किया जाए, कोलेक्टिवाइज किया जाए। तो अल्टीमेटली स्टालिन की जो पॉलिसी है उसको कहा जाता है लैंड कोलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी, कि उसने लैंड को कैसे कोलेक्टिवाइज किया, कैसे उसको कंसोलिडेट किया ताकि पूरी जो लैंड है उसके ऊपर मैकेनिकल फार्मिंग जो है।
और मैकेनिकल फार्मिंग होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री में जो है प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि रशिया वॉज मेनली एग्रेरियन एग्रेरियन कंट्री थी, 85% एग्रीकल्चर और 15% जो थी वो इंडस्ट्री थी। तो अल्टीमेटली स्टालिन का मेन मोटिव क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और उसके लिए उसने बहुत सी पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की। नंबर वन, स्टॉप स्पेकुलेशन, टू स्टॉप स्पेकुलेशन। सबसे पहले स्पेकुलेशन वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है। स्पेकुलेशन वर्ड बना है स्पेकुलेट, स्पेकुलेट स्पेकुलेट कौन करते थे उस टाइम पीरियड में रशिया में, रिच पीजेंट्स क्या स्पेकुलेट करते थे, ठीक है, ग्रेन या राइस या जितनी भी क्रॉप थी उनको स्पेकुलेट का मतलब होता है कि उसको सप्लाई के लिए मार्केट में बेचते नहीं थे, उसको स्टोर करके रखो। स्टोर कहाँ पे करते थे, इनके पास बड़े बड़े स्टोर हाउसेस होते थे। क्यों लोग स्टोर करते हैं, व्हाट इज द रीजन, हु विल टेल मी, रेज योर हैंड। और स्टालिन ने स्पेकुलेशन को कंट्रोल क्यों किया, अब मुझे ये बताओ कि लोग स्टोर क्यों करते हैं और क्यों जो है वो सप्लाई मार्केट में बेचने के लिए वो नहीं देते हैं, क्या उनको होप होती है उनकी उन जो क्रॉप्स होती हैं उनके प्राइजेस को लेकर उनको क्या होप होती है कि वो जो भी सप्लाई है उसको स्पेकुलेट करके रख लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मार्केट में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन वो अभी नहीं उसको बेचेंगे, वो उसको स्टोर करके रखते हैं क्योंकि उनको, यस वेरी गुड परनवीर, हाँ जी यस बेटा यस कीप माय, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें अपने हार्वेस्ट के ज्यादा प्राइसेस मिलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द रीजन, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज द रीजन। रशिया में जिस टाइम पीरियड में लेनिन या स्टालिन का रूल था उस टाइम पीरियड में बहुत से रिच पीजेंट्स ऐसे थे जो स्पेकुलेशन करते थे, सप्लाई सप्लाई का मतलब जैसे राइस की सप्लाई है, वीट की सप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनकी सप्लाई उनको रोक लेते थे और मार्केट में लोग लेने को तैयार हैं, खरीदने को तैयार है लेकिन उनको फ्यूचर में उनके प्राइजेस के बढ़ने की उम्मीद होती और वो चाहते थे कि 2-3 मंथ्स तक उसको स्टोर करें, अब उसके बाद जब उन चीजों के रेट बढ़ेंगे तब उसको निकालेंगे। और इस तरह से स्पेकुलेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना ताकि लोग जो है वो और उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए हाई प्राइजेस पे करने के लिए तैयार, और जब वो हाई प्राइजेस पे करने के लिए तैयार होंगे तब जो रिच पीजेंट से अपना जो भी उनका उनके पास जो स्टोर किया हुआ आइटम्स होती थी चाहे वो क्रॉप या जो भी थी तब उनको निकालते थे। दिस वॉज कॉल्ड स्पेकुलेशन और ये हर कंट्री में होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टालिन ने तब इसको रोका तो बाद में पूरी तरह से रुक गई, हर कंट्री में स्पेकुलेशन होती है, लोग चीजों के जो चीजों को स्टोर करके इसलिए रखते हैं ताकि उनको ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो स्पेकुलेशन कौन करते थे और जो लोग स्पेकुलेशन करते थे या रिच पीजेंट थे उनको स्पेशली एक नेम दिया गया था, उनको क्या कहा जाता था, कुलैक्स। ये टर्म आपने जरूर याद रखनी है, स्टालिन की पॉलिसीज में बताना है कुलैक्स। कुलैक्स कौन थे, वेल टू डू पीजेंट्स, और फार्मर्स, वेल टू डू पीजेंट्स और फार्मर्स, कुलैक्स, हु वर कुलैक्स, वन मार्क क्वेश्चन, हु वर कॉल्ड कुलैक्स, कुलैक्स कौन थे, वेल टू डू पीजेंट्स या रिच पीजेंट्स इन रशिया, those who speculated items, any kind of items like grain, crops or supply material, जो भी था, ठीक है, कुलैक्स कहा जाता था। अब स्टालिन का मेन टारगेट क्या था, इन कुलैक्स को कंट्रोल करना, ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया, ठीक है, कुलैक्स जो जितने भी कुलैक्स के पास जो जो भी उनके पास स्टोर हाउसेस थे उन स्टोर हाउसेस के क्या अरेंज की, रेड, रेड क्या होती है आपने सुना होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत से रिच इंडस्ट्री जो होते हैं उनके घर या ऑफिस में जाकर इनकम टैक्स की रेड, रेड का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स या उनके पास जो भी उनके पास फाइनेंस होता है उसको वेरीफाई किया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि उनके पास जितना वो उनकी सैलरी है जितना उनके पास है उससे ज्यादा उनके पास क्या ब्लैक मनी तो नहीं,
ये जो है वो इनकम टैक्स की रेड कहते हैं। स्टालिन ने भी इसी तरह से रेड इनके ऊपर की, कुलैक्स की। कैसे कैसे रेड की? कुलैक्स के स्टोर हाउसेस को चेक किया गया, उनके घरों को चेक किया गया कि उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं। और ऐसे में आपको पता है कि कितने ही कुलैक्स को रेड किया गया और उनके पास कितनी ही अनलिमिटेड सप्लाई मिली। और जो भी उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई थी, चाहे ग्रेन था या क्रॉप थी, दैट बिकेम सोशल प्रॉपर्टी। और इस तरह से स्टालिन वॉज एबल टू कैप्चर मैनी कुलैक्स प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी या जो भी उनके पास ग्रेन स्टोर किया गया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट उसका जो मेन टारगेट था टू स्टॉप स्पेकुलेशन, काफी हद तक वो सॉल्व किया। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया? सेकेंड आप पॉइंट भी बता दोगे, सेकेंड पॉइंट ही स्टार्टेड रेडिंग ऑन कुलैक्स। साथ में बताओगे हूवर कुलैक्स। कुलैक्स वर वेल टू डू पीजेंट्स ऑफ रशिया। देयर मेन मोटिव वॉज टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन द कंट्री बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग हाई प्राइजेस इन द फ्यूचर। So that's why they started storing the items, grain items. What Stalin, he wanted to stop speculation. So that's why many kulaks, their land, their social property, their land or you can say their grain was declared as social property. ठीक है, तो ये एक जो है उसका आइडिया था। इसमें आपने दो वर्ड याद रखने हैं, collectivization, kulaks. Kulaks कौन थे? Well to do peasants of Russia. ठीक है, यस बेटा, वेट फॉर वन मिनट, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ स्टालिन, ये भी एक नया कंसेप्ट है, ये भी आपने स्पेलिंग इसके अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ही एस्टैब्लिश्ड कोल खोज। स्टालिन ने क्या किया? मैंने आपको भी बताया था कि इसका मेन टारगेट क्या था, लैंड को कलेक्टिवाइज करना। स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स were converted into big size by taking land from the farmers. ठीक है, farmers से land लेकर उनको social property बना दिया गया। Agriculture were kept under social control. यानी कि अब country में किस चीज को produce किया जाएगा, उसके price क्या होंगे, कितना import किया जाएगा, कितना export किया जाएगा, all were decided by the Stalin government. और इसीलिए उसने क्या किया, he established kolkhoz. क्या थे kolkhoz? क्या थे, one more question. Kolkhoz were state control farms. State controlled farms. यहाँ पे state, यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में पंजाब गुजरात है, वो नहीं है। स्टेट यहाँ पे मतलब है government. ठीक है, government controlled farms भी आप बता सकते हो, government controlled farms या state controlled farms. स्टालिन का मेन टारगेट था दैट ही वांटेड टू कलेक्टिवाइज लैंड, फॉर दैट ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग मेनी कोलखोज इन द कंट्री। ही स्टार्टेड कंपेलिंग द पीपल, कंपेलिंग द फार्मर्स टू डू कल्टीवेशन इन द कोलखोज ओनली, बिकॉज एट दैट टाइम डिसीजंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वाज टेकन बाय द स्टालिन गवर्नमेंट। लोगों को इस चीज के लिए फोर्स किया गया कि वो सिर्फ कोलखोज यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल फार्म्स हैं वहीं पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पीजेंट्स वर फोर्स टू कल्टीवेट ऑन कोलखोज, मींस स्टेट कंट्रोल्ड फार्म। ठीक है, एंड द मेन टारगेट ऑफ द स्टालिन वॉज टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली यानी कि इन कोलखोज में जो भी प्रोडक्शन होगी
उस प्रोडक्शन में जो भी क्रॉप होगी उनको सेल करके जो भी इनकम होगी उस इनकम का प्रॉफिट जो है वो सब में बराबर डिवाइड किया जाए ताकि पीजेंट्स को कोई लॉस ना हो। और ऐसे में उन लोगों को बहुत फायदा हुआ जो लैंडलेस थे, जिनके पास लैंड नहीं थी, अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट थी। एंड द मेन यू कैन से ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू एम्प्लॉय फार्मर्स इन द कोल खोज। सपोज अगर हमारे इंडिया में ऐसे कोल खोज हो तो ये ऐसे कोल खोज होंगे जहाँ पे पूरी लैंड जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी और लोग वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, लोग अपनी लैंड पे कल्टीवेशन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे। और जितना प्रोडक्शन यानी कि गवर्नमेंट जिस क्रॉप को बेचना चाहती है या जो जिस क्रॉप की शॉर्टेज है गवर्नमेंट उसी क्रॉप को प्रमोट करेगी। और इस तरह से नहीं कह सकते कि कंट्री में काफी हद तक जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया, ठीक है, प्रॉफिट शेयर किया गया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो पुअर फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ दे वर एम्प्लॉयड, उनको अब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। एंड इवन जब वो वहाँ पे काम करते थे तो उनको वेजेस और सैलरी भी मिलती। लेकिन अब प्रॉब्लम उन लोगों को आई, उन पीजेंट्स को आई जिन पीजेंट्स के फार्म जो थे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए गए। आप ऐसा बेटा कई बार क्या होता है कि जब एक हाईवे रोड होती है, उस हाईवे रोड को अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसको 3 लेन या 4 लेन या 6 लेन बनाना है तो रास्ते में जितने भी फार्म होते हैं, जितने भी लोगों के घर होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है और बदले में उनको मनी दे दी जाती है। अब उनको वो जगह जगह छोड़नी पड़ेगी। सपोज अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि किसी पर्टिकुलर विलेज से या किसी पर्टिकुलर एरिया से रेलवे ट्रैक जो है निकालने, तो उस रेलवे ट्रैक के रास्ते में जितनी भी लैंड आएगी गवर्नमेंट क्या करेगी उन लोगों को उसके बराबर जो मनी, ठीक है। तो लोगों को कंपेल किया गया कि वो जगह छोड़ दे और लोगों की लैंड को, ठीक है, एक प्रॉपर जो है वो रेट डिसाइड कर लिया गया और लोगों को वो रेट दे दिया गया। बट सम वर नॉट वांटेड, सम वर नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर देयर लैंड, कुछ लोग नहीं चाहते थे अपनी लैंड को बेचने बट दे वर कंपेल्ड। अब मेन हमने प्रॉब्लम बतानी है दैट मैनी फार्मर्स दे बिकेम अनहैप्पी विद द सेलिंग पॉलिसीज बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू कल्टीवेट ऑन कोल फील्ड। वो अपनी प्राइवेट फार्मिंग करना चाहते थे बट प्राइवेट फार्मिंग उस टाइम बैन थी, ठीक है। और एट दैट टाइम मैनी फार्मर्स दे डिस्ट्रॉयड देयर इवन मशीन एंड ट्रैक्टर्स आल्सो, क्योंकि अगर सपोज उस टाइम पीरियड में किसी पर्सन के पास 3 या 4 ट्रैक्टर्स थे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो था वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती। लेकिन कई लोगों ने क्या किया, दे नोइंगली डिस्ट्रॉयड देयर मशीन। Even animals also, livestock, animals जो है वो livestock, जैसे suppose किसी के पास buffalo हैं, cow हैं, ठीक है, अगर उनके पास number ज़्यादा था, किसी person के पास अगर 100 है, लेकिन उसकी family बहुत होती है, ठीक है, तो उनसे जितना भी livestock था वो ले लिया गया and that was declared as government property, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने क्या किया, they knowingly kill their animals, उन्होंने अपने animals को मार दिया because वो government को नहीं देना चाहते, ठीक है। ये ऐसा ही है जिस time period में हमारी country में evaluation यानी कि money जो है वो 100 और 500 रुपीज का या नोट जो है वो बन दिए थे, तो कई लोगों ने नोइंगली अपनी मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि जो है वो उनकी मनी जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो मिले, ठीक है। और बाय 1939 2 मिलियन पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड और उनको लेबर कैंप में भेजा गया। जो लोग कोल खोज में काम नहीं करना चाहते थे उनको लेबर कैंप। लेबर कैंप में भेजा गया ताकि जब जो है वो लोग कोल खोज में काम नहीं कर, एज अ पनिशमेंट उनको पनिशमेंट दी जा रही थी। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करना चाहते थे या गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, ठीक है, ऑल द इंडस्ट्रीज वर इंडस्ट्रियलाइज अंडर स्टैंडिंग। और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल प्लानिंग। नेक्स्ट उसकी पॉलिसी क्या थी, सेंट्रल प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो 1 ईयर प्लानिंग भी हो सकती है, 5 ईयर भी हो सकती है। इवन हमारी कंट्री में भी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से 1 ईयर 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स में हमें एग्रीकल्चर को कॉन्सेंट्रेट करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को कॉन्सेंट्रेट करना है, और इस तरह से गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो रशिया में भी प्लानिंग पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स फॉर लॉन्च, शॉर्ट टर्म प्लान्स फॉर लॉन्च, अलग अलग सेक्टर्स को इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। द
then many new factories and cities were emerged. बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया, विलेज से सिटीज में आए, ठीक है, क्योंकि उनको काम मिल रहा था. गवर्नमेंट वॉज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू दीज लेबर्स. अब जब लेबर को काम करवाना होता है तो लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो उनकी एजुकेशन और फैमिली. एंड मेडिकल. तो फैमिली ने ये सभी चीजें इन लेबर्स की फैमिली को प्रोवाइड की. देन लेबर्स दे केम इन द सिटीज, दे वर गिवन एजुकेशन आल्सो. डे टाइम वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, नाइट टाइम उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वर स्टार्टेड. फैमिली देयर चिल्ड्रन वर प्रॉपरली टेक केयर इन द करेक्ट स्कूल्स वर प्रोवाइडेड टू देम. मेडिकल फैसिलिटीज वर गिवन. क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल में था तो काफी हद तक जो है गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में रखा. एंड नाउ many students and workers they were happy with the policies of talent. So this was up to the talent policy, and tomorrow I will discuss what happened after.